जब भी आप फोटोशॉप में सिलेक्शन करते हैं तो हो सकता है कि पेन टूल आपको एक सिलेक्शन के लिए बेटर ऑप्शन ना लगे, लेकिन कभी-कभी पेन टूल बहुत यूजफुल हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम पेन टूल की सहायता से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम टूल बॉक्स से पेन टूल को सेलेक्ट करते हैं। पेन टूल को सेलेक्ट करके हम एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं, दूसरे पे करते हैं, तीसरे पे, चौथे पे। तो इस प्रकार से क्लिक करके हम देखते हैं कि ये टूल पॉलीगन लासो टूल की तरह ही काम करता है, जिसमें हम सिलेक्शन के लिए सीधी लाइनें बनाते हैं। लेकिन पेन टूल सिर्फ सीधी लाइनें ही नहीं, कर्वी लाइनें भी बना सकता है। यहाँ पे हम कंट्रोल जेड बटन दबा के इस पॉइंट को डिलीट कर देते हैं। अब हम पेन टूल से यहाँ पे क्लिक करके होल्ड रखेंगे। क्लिक करके होल्ड रख के अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो इस प्रकार से हम अपने सिलेक्शन पॉइंट के दोनों तरफ दो हैंडल्स देख पाते हैं। अब अगर हम दूसरे पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे भी हम इस प्रकार से दो हैंडल्स बना पाते हैं। इन हैंडल्स को हम अगर लेफ्ट राइट घुमाते हैं तो इस प्रकार से हम अपने सिलेक्शन की जो लाइन होती है इसमें कर्व बना सकते हैं। इन हैंडल्स को एडजस्ट करने के लिए आपको एल्ट बटन प्रेस करना है, और जैसे एल्ट बटन मैंने प्रेस किया और इस हैंडल को इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पेन टूल है ये कर्वी लाइंस बनाने में बहुत यूजफुल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस टूल का प्रैक्टिकल उपयोग इस इमेज पे। इस इमेज में हमको ये जो हार्ट शेप है इसको सिलेक्ट करना है पेन टूल की सहायता से। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये जो पेन टूल में ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे पाथ सेलेक्ट रखना है। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, क्लिक और थोड़ा ड्रैग करते हैं ताकि हम हैंडल्स देख सकें। यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट बनाते हैं और क्लिक और ड्रैग करते हैं ताकि हम हैंडल्स बना सकें। अब हम एल्ट बटन प्रेस करके इस हैंडल को इस प्रकार से थोड़ा आउटसाइड में निकालते हैं और अपनी जो ये शेप है इसके हिसाब से अपने सिलेक्शन को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे ये ठीक है। अब हम अगला पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी हम क्लिक करके थोड़ा ड्रैग करते हैं और अब हम फिर से एल्ट बटन प्रेस करेंगे और इन हैंडल्स की सहायता से अपनी जो ये साइज है, ये जो लाइन है इसको हम इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि ये हमारी शेप के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। फिर से हम यहाँ पे एक पॉइंट और बनाते हैं, क्लिक और ड्रैग करते हैं, एल्ट बटन की सहायता से इसको थोड़ा अंदर करते हैं और इसको थोड़ा बाहर करते हैं। फिर से अगला पॉइंट बनाते हैं, क्लिक और ड्रैग, एल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करके इसको फिर से एडजस्ट करते हैं, थोड़ा इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, एल्ट बटन की सहायता से इसको हम थोड़ा अंदर करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, एल्ट बटन की सहायता से इस लाइन को थोड़ा बाहर निकालते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं,
शेप को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। एल्ट बटन दबा के इसको थोड़ा अंदर लाते हैं और इसको भी थोड़ा अंदर लगाते हैं। यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से हैंडल्स बनाते हैं। एल्ट बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से इसको एडजस्ट करते हैं और इस लाइन को थोड़ा अंदर लेके आते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हम देख सकें और यहाँ पे भी हम ये जो अपना सिलेक्शन है इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते। इसमें आप थोड़ी प्रैक्टिस करके अपने सिलेक्शन को और भी बेटर तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि ये जो आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फेदर वैल्यू अगर आप चाहें तो 1-2 पिक्सल सेट रख सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आपका सिलेक्शन परफेक्ट है तो। एंटी अलायस आपको सेलेक्ट रखना है ताकि ये जो आपका सिलेक्शन है ये जेगेड पिक्सल में ना दिखाए। इसके बाद हम ओके प्रेस करेंगे तो जो हमने लाइंस बनाई है वो एक सिलेक्शन के रूप में बदल जाएगी। कंट्रोल जे बटन प्रेस करते हैं और इस प्रकार से हमारा ये सिलेक्शन हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।